हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ वीडियो देखने आए हैं और जो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में वो सारे जी के क्वेश्चन हर रोज की तरह आज भी हम डिस्कस करेंगे जो कि आज के दिन पूछे गए थे, जो आज के दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे जिनसे आपको आगे फायदा हो सकता है, जिन्हें देखना एक बार आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। शुरू करेंगे हम, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर हु हैज प्लेड फर्स्ट टाइम फॉर फॉरेन टीम, पूछा क्या गया स्टूडेंट्स कि पहले भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जो विदेशी टीम के लिए पहली बार खेले हैं, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा बाईचुंग भुटिया। बाईचुंग भुटिया बहुत अच्छे फुटबॉलर थे और इंडिया में उनका नाम है, मतलब पूरे वर्ल्ड में नाम है कि इंडिया से एक अच्छे फुटबॉलर के तौर पर जाने जाते हैं, तो आपने भी नाम सुना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या आया था, हु हैज एस्टैब्लिश्ड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो इसमें पूछा क्या गया था स्टूडेंट्स, पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है उसे किसने स्थापित किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दादा भाई नेहरोजी। तो दादा भाई नेहरोजी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यह आप ध्यान रखिएगा कि किसको जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से, दादा भाई नेहरोजी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या आया था, विच वन क्रोमोजोम हैज बीन फाउंड इन मेल पैटर्न, पूछा क्या गया स्टूडेंट्स कि मेल पैटर्न जब मतलब शिशु का जन्म होता है और उसमें जो मेल आता है तो वह उसमें कौन सा क्रोमोजोम पाया जाता है, कौन सा, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर होगा एक्स वाई। तो जब एक्स और वाई क्रोमोजोम मिलते हैं तो ये जो पेयर है उससे मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, और जब एक्स एक्स मिलता है तो फीमेल का फॉर्मेशन होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बता दूँ पिछला क्वेश्चन जो था वो कहाँ का था, बायो का था, उसे पिछला कब का था, हिस्ट्री का था, और उससे पिछला जो बाईचुंग भुटिया है वो तो स्टैटिक जीके आप कह सकते हैं उसका था, ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे वो केमिस्ट्री का है। और क्वेश्चन क्या है, ग्रेफाइट इज एलोट्रोप ऑफ विच, पूछा क्या गया स्टूडेंट्स कि ग्रेफाइट किसका एलोट्रोप है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कार्बन। तो कार्बन जिसे हम सी के नाम से जानते हैं, मतलब केमिकल जो फॉर्मूला है उसका वो सी है और केमिकल सिम्बॉल जो है, और कार्बन का एक एलोट्रोप है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट हमारी पेंसिल्स में रहता है आपको पता होगा, बचपन में तो बहुत आपने पेंसिल्स का यूज किया, अभी तो खैर बंद कर दिया होगा करना, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, व्हेन वाज काशी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड, पूछा क्या गया है कि काशी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1916 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन क्या आया था, इंडियाज फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल, पूछा क्या गया है कि भारत का पहला रजिस्ट्रार जनरल कौन था, तो इसके आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर होगा आर ए गोपाला स्वामी। तो आर ए गोपाला स्वामी जो थे वो भारत के पहले रजिस्ट्रार थे, फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन आया था, हु हैज डिस्कवर्ड अमेरिका, पूछा क्या गया है कि अमेरिका की खोज किसने की, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन और बचपन से ही हम बहुत सुनते हैं इस बारे में, तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की है, तो आपको ये ध्यान रखना है। कोलंबस से मुझे एक बात याद आ रही है, और याद आ रही है कि जो कोलंबो है वो श्रीलंका की कैपिटल है, श्रीलंका की कैपिटल है, तो ये इसे मैच करता है कोलंबस और कोलंबो, कोलंबो जो है वो श्रीलंका का कैपिटल है, और ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन है, टू प्लैनेट हु हैव नो सेटेलाइट, पूछा क्या गया स्टूडेंट्स कि ऐसे दो ग्रह जो जिनके उपग्रह नहीं है, जैसे हमारा उपग्रह मून, माफ कीजिएगा, जो जैसे हमारे सेटेलाइट्स हैं, जैसे एक हमारा नेचुरल सेटेलाइट है मून, तो वैसे ही सारे प्लैनेट्स के भी सेटेलाइट हैं, लेकिन ये दो ग्रह जो हैं उनके सेटेलाइट नहीं है, कौन से दो ग्रह के, मरकरी और वेनस के, जिसे हम बुध और शुक्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन था, हु वॉज फादर ऑफ नेशनल प्रेस, पूछा क्या गया था कि राष्ट्रीय प्रेस के पिता कौन थे, इसका आंसर क्या होगा, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय थे, और इसके आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है, वॉट इज स्पीड ऑफ साउंड इन जीरो डिग्री, पूछा क्या गया है कि जीरो डिग्री सेल्सियस पे जो ध्वनि की गति होती है वो क्या होती है, तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन, और जिन्हें मतलब एक तो वैल्यू है ये, तो आपके याद रखने पे डिपेंड करता है, अगर आपको याद है तो फिर तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, वरना फिर डेरिवेशन की बात तो आप लोग नहीं करिएगा, नहीं तो उससे भी कर सकते थे लेकिन वो हायर लेवल का होता है इसलिए आप नहीं करिएगा, तो फिर आपका ये क्वेश्चन छूट जाएगा, इसलिए ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 331 मीटर पर सेकेंड, 331 मीटर या 332 मीटर पर सेकेंड आप कह सकते हैं। ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, हु वाज, माफ कीजिएगा, व्हेन वाज क्वीन विक्टोरिया बिकम
क्वीन ऑफ इंडिया। पूछा क्या गया है कि रानी विक्टोरिया भारत की रानी कब बनी थी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1858, 1858 ईस्वी में। तो 1857 में जब ग्रेट रिपब्लिक मतलब रिवॉल्यूशन हुआ था, 1857 का विद्रोह आपने सुना होगा, इसमें मंगल पांडे की भागीदारी थी। उसके अगले साल ही 1858 में ये रानी विक्टोरिया भारत की रानी बनी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन है, असगरी बाई इज रिलेटेड विथ विच फील्ड। पूछा क्या गया है कि असगरी बाई जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका आंसर होगा ध्रुपद सिंगर। तो ध्रुपद गायक गायिका कहिए कि ध्रुपद गायिका रह चुकी हैं वो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट। तो पिछला क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके का था, ये क्वेश्चन देखते हैं किसका है। ये क्वेश्चन है वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन फ्री सिटी, तो ये भी आप जीके का ही कह सकते हैं। इसमें पूछा क्या गया है कि जो दुनिया का जो हमारे वर्ल्ड है, वर्ल्ड का सबसे पहला कार्बन से फ्री सिटी कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, न्यू कैसल यूके। तो ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसका जो आंसर है वो ध्यान रखिएगा, और आंसर बता के हम अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर ऑफ इंडिया हैज मोर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसमें पूछा गया है कि भारत की किस नदी में सबसे अधिक जल भंडारण की क्षमता है, तो इसका आंसर क्या होगा, गंगा होगा। और गंगा आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ी नदी है भारत की, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी कैपेसिटी जो है वाटर स्टोरेज की वो भी सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट। सबसे नीचे, प्रोफेसर अमर्त्या हैज बीन गिवेन नोबेल प्राइज इन विच फील्ड। पूछा क्या गया है कि प्रोफेसर अमर्त्या सेन जो थे, अमर्त्या सेन आपने नाम सुना होगा अगर आप जानकारी रखते हैं जनरल नॉलेज की, और स्टैटिक जीके भी अब तो ये हो गया है कह सकते हैं आप, तो उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार आप लोगों को पता है कि बहुत उच्च कोटि का पुरस्कार है, और ये जो है पूछा गया कि अमर्त्य सेन को किस चीज किस फील्ड में दिया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, इकोनॉमिक कल्याण, इकोनॉमिक जो है तो ये कल्याण आर्थिक व्यवस्था के रिलेटेड इकोनॉमिक्स में आप कहिए कि दिया गया था इकोनॉमिक्स के सेक्टर में। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा, हम यहाँ पे जो जो क्वेश्चन आज इंपॉर्टेंट आए वो सब डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक नीचे आप लोगों का जो लाइक का अधिकार है वो आप लाइक वहाँ जरूर करिए, और प्लीज़ क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है आप लाइक करते हैं, और हमारा जो हमारी जो टीम है जो ये तैयार करती है, जो क्वेश्चंस कलेक्ट करती है, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है, और आप लोगों को ऐसे ही आगे भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि कल एक लाइव सेशन मैं लेने वाला हूं, और लाइव सेशन जो है उसमें हम बात करेंगे कट ऑफ से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम के शिफ्ट, बहुत सारे दिन तो हो गए एग्जाम, मतलब आधे से ज़्यादा जो जब से एग्जाम शुरू हुआ था उसके बाद से आधा से ज़्यादा दिन हो चुका है, और जो मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स जो है वो हो चुके हैं, तो अब कट ऑफ की बात आती है, इसलिए हम अभी से एक सर्वे शुरू करेंगे और हम उस बारे में कल आपको बताएंगे। तो वो आप वीडियो जरूर अटेंड करिएगा, जो आदमी हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, तो कल हम अराउंड आप तैयार हो जाए कि शाम को 6 बजे हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक नोटिफिकेशन भी दे देंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ एक नोटिफिकेशन का बेल होगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही उस बारे में बात करें उस बारे में नोटिफिकेशन आपको हम पहुंचा देंगे, आधे घंटे पहले आपको मिल जाएगा कि अभी वीडियो शुरू होने वाला है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे और एक सर्वे शुरू करेंगे जिसमें आप लोग अपने मार्क्स बताएंगे, मतलब जितना आपने अटेम्प्ट किया, और एक एक्यूरेट जैसे हमने SSC MTS के लिए दिया था वैसे ही हम SSC CHSL के भी देंगे। और आपने देखा होगा जो स्टूडेंट्स देखते थे MTS के लिए, तो MTS में हमारी एक्यूरेसी जो थी 100% की थी, हमने कहा था जो 110 कट ऑफ आ सकता है 105 से 115 के बीच, और नेट जो है वो 110 आया था। तो इस बार भी ऐसे ही जो एक्यूरेसी के लिए, ऐसे ही जो हमारी ओर से जो कट ऑफ आपको मिलेगा उसके लिए आप हम एक सर्वे शुरू करेंगे, उस बारे में हम कल बात करेंगे लाइव सेशन में, तो वो जरूर आपको अटेंड करना है, और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ये क्वेश्चन हम अगला स्क्रीन पे जो देख सकते हैं वो है, व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज हाफ इट्स ब्लैंक, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा अगर हम चलती वस्तु का गति जो है वो आधा कर दें। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो वेलोसिटी के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है, तो जैसे ही हम आधा कर देंगे तो आधा का स्क्वायर कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, 1/4 KE हो जाएगा जो इनिशियल था उससे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिए, और बहुत सारे क्वेश्चन तो हमने बता ही दिए आपको ऑलरेडी। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए प्लीज़, और कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, और अगर कोई परेशानी हो तो आप फेसबुक पेज पर हमसे बात करिए, फेसबुक पेज का मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि फेसबुक पेज पे हम सारे क्वेश्चन जो अपडेट करते रहते हैं, तो वहाँ भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे PDF में और इमेज में, तो आप वहाँ से सेव कर सकते हैं, आगे के लिए भी रख सकते हैं, और फिर वहाँ लाइक कर लीजिएगा तो अपडेट्स तो मिलते ही रहेंगे। तो
तो आप देख सकते हैं हमारा फेसबुक पेज, आप देख सकते हैं हमारा फेसबुक पेज का जो आईडी है, और फेसबुक पेज पे आप हमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ सेंड मैसेज का एक ऑप्शन है, तुरंत उसे दबाएं और हमें मैसेज करें कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम डेफिनेटली आपको वहाँ रिप्लाई करेंगे। पेज को लाइक करें, आप देखेंगे कि वहाँ हम सारे क्वेश्चन जो है पिछले दिनों के डालते रहते हैं, तो अगर आपका कोई वीडियो छूट जाता है या फिर कोई वीडियो हम नहीं डाल पाते हैं यहाँ, तो वहाँ आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। और स्टूडेंट्स जो हमारी चैनल अभी पहली बार देख रहे हैं, उन्हें हम कहना चाहेंगे कि सब्सक्राइब कर ले प्लीज। और आपको तो पता ही होगा कि हम यहाँ सारे शिफ्ट के क्वेश्चन शाम को हर रोज डालते हैं, सारे जो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डालते हैं, आपको समझाते हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये सब पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो नीचे प्लीज एक लाइक करें, एक लाइक करेंगे आप नीचे और हमें जो है प्रोत्साहन मिलेगा और ये करने के लिए, और मुश्किल भी काफी होता है तो हमें अच्छा लगेगा कि जो हम कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स को कम से कम पसंद तो आ रहा है। तो प्लीज यहाँ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अगर बहुत पसंद आया हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं इसे, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि हम जो कोई भी आगे अब वीडियो डाले या फिर कोई जो आगे अपडेट डाले तो वो आपको तुरंत मिल जाए, कोई परेशानी ना हो खोजने में। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, अपडेट्स के साथ, तब तक चलते हैं। उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर लिया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।